मैंने देखा है कि आप मेरे ये क्या है प्लीज आप रखें, ये देखिए क्यों रखूं आपके फॉर्म को रखिए देखिए प्लीज ये पैसे तुम लोग गलत काम करते हो ऊपर से पैसे देते हो ये क्या है ये शर्म नहीं आती पैसे देते हो प्लीज मेरे जरा शर्म अपने मत करो आपके पैसे मुझे दे रही हो देख हराम के जबरदस्ती लेकिन ये जो स्टोरी है ये चलेगी चलेगी ये पैसे अपने पास रखो और ये चलेगी स्टोरी नहीं चलाएंगे मैम बात सुने हेलो फ्रेंड हां जी क्या मसला है आपको इधर आइए क्या हुआ है आपको कौन है इधर आई हुई क्या कर रहे हो आप बताएं मैं अंदर क्यों आई ये किधर छुप रहे हो इधर नीचे इधर आए ना आप निकलो ये नीचे मेरी पास नहीं आप ये क्या आप आए क्यों हैं इधर ये यहां क्या है इसे बंद करो मैंने बोला बंद करो आप बंद क्यों नहीं गए मैं आपका मसला क्या है नहीं तुम तो वही आप आए क्यों हो तुम तो वही हो जो हॉस्टल नहीं आप यहां पर आए क्यों मुझे ये तो बताएं पहले तुम इधर यहां पे क्या कर रही हो तुम तो वही नहीं आप मुझे हॉस्टल में जाती हो लड़कियों को मालिश करने वही नहीं हो हां तो यहां पे क्या कर रही हो ये लड़कियों के साथ क्या हो रहा है भाई निकलो ना ये देखो ये लड़का यहाँ पे जो है हमें देख के नीचे छुप गया है बाहर आओ प्लीज इसको बंद करो इसको बाहर निकालो बंद करो आप आए लोग क्यों आप आए क्यों यहाँ पर क्या करने आए हो किसने बुलाया वो मेरे से बात करो कैमरे में बात करो बात सुने मैं आपसे भी बात कर रही हूँ प्लीज आप आए क्यों यहाँ पर क्या कर रही हो बस मेरा काम है मैंने तो कहा था मैं हॉस्टल में जाकर लड़कियों की मालिश करती हूँ मैं लड़कों की भी करती हूँ लड़की को बाहर निकालती हूँ कि मैं बेड उठाऊँ नीचे से मैं बुलाऊँ बाहर से किसी को कि बेड उठाए लेकिन आप निकलो ये देखिए नाज़रीन ये जो लड़का है यहाँ पर ये बेड के नीचे जा कर मजबूर ना करें प्लीज बाहर आओ मैं कह रही हूँ आपको क्या मसला है बताती हूँ मुझे क्या मसला है बाहर आओ नहीं आप होते कौन है मेरी मर्जी है मैं आऊँ या ना आऊँ आपको आओगे तो मैं बताऊँगी मैं कौन होती हूँ बाहर आओ मैंने नहीं आना आप जो मर्जी कर ले बाहर आओ वरना मैं बाहर से लड़के को किसी को बुला रही हूँ कि ये बेड को उठाए आप होते कौन है मैंने किराया दिया रेंट दिया आप होते कौन है किराया दिया रेंट दिया लेकिन जो मर्जी करो मैं जो मर्जी करूँ आप क्यों आप कौन होती बोलने मैं बताती मैं कौन इसको नीचे से निकालो फिर मैं बताती मैं नहीं निकालती क्या करेंगे आप ये बुलाए ना बाहर से ये क्यों बुला रही हैं आप मैम ये बाहर से बुलाए किसी को और ये बेड से निकाले इसको बुला रही हैं आप नहीं बुला सकती प्लीज़ ये मेरा अपना काम है मैं क्यों कर रही हूँ आपको क्या मसला है इसको नीचे से निकालती हूँ सब अरेंज मैंने खुद किया हुआ है क्या अरेंज किया ये पैसे के साथ सब कुछ मैंने लिया हुआ है आप क्यों इस मामले में क्या हो रहा है मुझे ये तो बताएं करने आपको किसने ये सब कुछ बताया हाँ मैं करने आई थी तो कह रही थी मैं हॉस्टल में जाकर मार है आपको क्या मसला है आपको क्या मसला है बाहर निकलो शहजादे बाहर निकलो हाँ शहजादे बाहर निकलो आपने नहीं इस काम में आना आपने इस काम में मुझे बदतमीजी पे आप आमादा ना करें कि मैं आपको धक्का दूं मुझे मजबूर ना करें पीछे हो बाहर निकलो ये उठाओ बेड उठाओ आपने बाहर से अपने लड़कों को बुलाऊं क्या नाम आसफ बाहर निकालो किसको नीचे से बाहर बाहर निकलो आसफ बाहर आओ नहीं तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ यहाँ से पुलिस आएगी फिर तो निकलोगे ना बाहर आओ थोड़ा पीछे हटे ये लो बाहर आओ निकलो ये देखें मुंह क्यों छुपा रहे हो नहीं मुंह क्यों छुपा रहे हो बताओ यहाँ पे क्या करने आए हो कुछ नहीं आना क्या करना इधर क्या करने क्या आया तुम्हारी उम्र तो तुम छोटे से लग रहे हो उम्र क्या तुम्हारी मेरी है 18 साल है देखिए नाज़रीन ये 18 साल का बच्चा यहाँ पर और ये इसको लेके यहाँ पर क्या मतलब उसको भगा मैम उसे जाने दो मैम प्लीज जाने दो आप उसके क्यों सामने कैमरे के करवा रहे हो मैंने आपको बोला आप उसके नहीं करवाएंगे क्यों नहीं करवाओगे ये कौन है ये मेरा मसला है उसको बचा क्यों रही हो मैंने बचाना है उसको पूछने तो दो ना यहाँ पे क्या करने क्या आए हो कुछ नहीं हमने क्या करना है इधर वैसे बैठने आए थे बैठने नहीं आए जो करने हैं वो बताओ बैठने आए थे बैठने नहीं क्या करना है इधर ये बताए ना आप वो तुम मुझे बताओगे यहाँ पर क्या कर रहे हो मैम आप होते कौन है आप पूछने वाले कौन होते हैं मुझे ये बताएं मैं बता रही हूँ ना कि मैं कौन हूँ मुझे ये बताओगे यहाँ पे क्या करने आए हो हम कुछ नहीं थे करने आए ये बता मुझे हम पे नजायज कर रहे हैं ये मेरी मर्जी है मैं जो मर्जी करूँ जाओ भागो उसको क्यों भेज रहे हो क्यों आप भागो छोड़ो नहीं चाह रहे ये क्या तमाशा है मैम प्लीज़ मैं बदतमीजी करूंगी आप मुझे लगा दे पुलिस लगा दे लेकिन इसको जाने दे क्यों जाने दो जाने दे मैं इसको कैमरे के सामने नहीं आने लगता है मैं जाने दोस्तों ये मेरा दोस्त है मैंने बोला ना आपका मुझे मजबूर ना करें तो मुझे भी मजबूर ना करो छोड़े इसका हाथ प्लीज छोड़ना मुझे मैं छोड़ दी मेरे हाथ में दर्द हो रही है मेरा हाथ दबा रही है मैं इसलिए कह रही हूँ नाजुक है आपके हाथ इसलिए कह रही हूँ आप छोड़ दें अब आपका धक्के खाने का पीछे हो जाए खुद ही हो जाए हाँ आप छोड़ो ना यार क्यों नहीं हाँ छोड़ो मैम छोड़े प्लीज़ क्यों नहीं कर रही आप हाँ जाए आप मैं छोड़ दो इसको मैम मेरी बात माने प्लीज छोड़ दो इसको, मैं कह रही हूं। आज से भाग जाओ। क्या करने आए हैं? कुछ नहीं करने आए मैम, हमारी जान छोड़े प्लीज, जान छोड़े हमारी प्लीज, साथ छोड़े। हां भागे, हां जा जा शाबाश, हो गया मेरा। चलो भगा दिया ना, बैठो तुम इधर। मैं बैठी हूं, जो कर रहा था ना कर लिया। हां मैम मैंने कर लिया। इसको क्यों भगाया है? तुम्हारा क्या लगता था? ये मेरा दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है। मैं अपनी कामयाबी पे हंस रही हूँ। पागल है? नहीं पागल नहीं। मुझे धक्का क्यों दिया? आपको मैंने धक्का इसलिए, आप उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी, उसका मैंने भगाया इसलिए कि उसकी जान छूट जाए, वो इस मामले में ना आए। मैं तो जुर्मदार हूँ लेकिन वो ना आए। वो जुर्मदार नहीं है, वो भी है लेकिन यहाँ तक कि हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हमने आज मैंने तुम्हें देख उधर तुम्हारा इंटरव्यू करके आई हूँ मैं, कि तुम बता रही थी कि मैं हॉस्टल में जाती हूँ। आप सही कहते हो, मैं लड़कियाँ भी करती हूँ और लड़कों की भी करती हूँ। हमें पता चला कि ये तुम भी यहाँ पे आके मिलना था। नहीं मैम, मैं लड़कों की भी करती हूँ और लड़कियों की भी करती हूँ। मैंने आपको नहीं बताया, इसकी मैं मालिश करने आई थी, मालिश करने आई थी, मेरा काम है। मालिश करने आई थी? हाँ मालिश करने आई थी, मालिश करने आई थी। जो भी होगा मुझसे करूँगी मैं। रात मेरे पास है, नाइट मेरे पास है, अगर आप ना आते सब कुछ होना था। मैंने पेमेंट की हुई है पेमेंट इधर, मैंने जितनी उन्होंने मानी 1000 रुपये मांगा इन लोगों ने, मुझे ये कराया इस कमरे का, नाइट का। कमरे का 1000 रुपये या उस बच्चे से? ये नहीं, कमरे का 1000 है मेरे पास, लड़के से अभी मैंने लेने थे। अगर मेरा काम होता तो फिर ही था, अभी आपने भगवा दिया उससे। कितने डील हुई थी? 2000 के। ये देखने 2000 की डील है और ये 1000 तो मेरा यहाँ का किराया है। हाँ ये गलत काम है कि सही काम है? बहुत ज़्यादा मैम गलत काम है, लेकिन मेरी मजबूरी समझे आप, क्या करूँ, करना पड़ता है। जब लोग कहते हैं ना, जब लड़के बल्लाते हैं तो मुझे मजबूर है मैं करना। आज मैं इस हॉस्टल, ये जिस होटल के अंदर तुम आई हो, इन्होंने हमें खबर दी है कि यहाँ पर कोई औरत है वो आने वाली। अगर ऐसे ही मुझे किसी हॉस्टल में खबर मिल गई तो मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में पकड़ लिया तो फिर? वो मैम आपकी मर्जी है। यानी कि आपने ये काम नहीं छोड़ना है? नहीं मैंने नहीं छोड़ना, बाबा मुझे आदत है, मैंने बोला ये मेरा परफेक्ट नहीं छोड़ा। अब क्या करूँ, मजबूरी है। नहीं छोड़ोगे? नहीं। तुम ये काम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं जब तुम हॉस्टल में जाओगी मैं तब भी तुम्हारे पीछे। ये मैम आपकी मर्जी है। अपने जो इन्फॉर्मर है हमारा, अपने चैनल के, मेरी बात सुने, लगा दूंगी। आप बहुत अच्छी हैं लेकिन मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, झगड़ना भी नहीं चाहती, प्लीज़ मेरी मदद करें। दे दें आप? नहीं डर है पुलिस का? पुलिस वाले मेरे साथ मिले हुए हैं, मैं खुद पेमेंट करती हूँ पुलिस वालों को इस काम की। कि मैं हॉस्टल के अंदर खुद देती हूँ, जितने मेरे पास पैसे होते हैं मैं खुद देती हूँ उनको, वो राज़ी है मुझसे। ये देख ले नाज़रीन, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस को पैसे दे के यहाँ पर ये आई है और ये देखें क्या आगे काम कर रही है। ये सारे तुम सारे एक जैसे सब कुछ हो रहा है, सब गार्ड्स, ये पुलिस मैम, हर लोग मिले हुए हैं। ये लोग ना मिले हों तो ये देखें यहाँ तक किसी की ज़रूरत नहीं है, ये काम जो है ये हो नहीं सकता। मैम किस किस की बात करूँ मैं आपके सामने, अकेली मैं नहीं इस काम में शामिल, सब लोग शामिल हैं। यानी कि तुम ये काम नहीं छोड़ने वाली, तुमने ये करना है। बिल्कुल, उसने छोड़ना भी क्यों है? उसके साथ पुलिस, उसके साथ मिली हुई है, गार्ड उसके साथ मिले हुए हैं, सब उसके साथ है। उसको तो वो क्या कहते हैं कि आज़ादी है, उसके साथ वो क्या सारे उसके बाजू बने हुए हैं कि तुम काम करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। यानी कि ये काम जो है ये रुकना नहीं है, चलते रहना है और ना इनको किसी ने रोकना है। और फिर हम लोग क्या करें? फिर कहते हैं हुमेरा बाइकर जो है वो कभी मालशिया पकड़ लेती हूँ, कभी हुमेरा बाइकर जो है उस होटल में घुस जाती है, कभी हुमेरा बाइकर जो ये करती है। फिर मैंने तो दिखाना है ना, मैंने तो दिखाना है कि जो जहाँ पर हो रहा है मैं तो दिखाती रहूँगी, कोई रोके या ना रोके, फिर मैं तो ये गंद दिखाऊंगी कि यहाँ पर ये होता है। मुझे जितना हो सकेगा मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करूंगी और हर जगह पे जाऊंगी जहाँ पर ये लोग जाते हैं और इस तरह के गलत काम होते हैं और इनको रोकने की कोशिश करूंगी। बाकी ये लोग बाज आने वाले नहीं। और पुलिस वालों से मैं ये कहना चाहूँगी, और जो गार्ड्स वगैरह जो इनको पैसे इनको देते हैं, लेते हैं, जो भी करते हैं, उनसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग थोड़े मजबूत बन जाए और ये 1000-2000 की रिश्वत आप लोग ना खाएँ तो ये लोग इतने जो है ना आज़ाद ना हो और इतने शौके ना हो और इतने हंस के मुझे जवाब ना दें कि हम लोग तो पैसे लेते हैं पुलिस वालों से, इस वजह से हम लोग ये काम करते हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता। ना रोके, मैं तो रोकूंगी। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।